Let's go. Hey, good morning travelers from Somnath. This is day 3 और आज दर्शन का दिन है जिसके लिए हम ट्रैवल किए हैं इतना 2 दिन और हम लोग रिक्शे से आए तो काफ़ी चलना है यहाँ से मंदिर के लिए। मंदिर देखो एकदम दूर पीछे, जस्ट पता चला है कि यहाँ पे मंदिर में अंदर आप मोबाइल वगैरह लेके नहीं जा सकते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पे स्टोर्स है, लॉकर्स है और लॉकर्स में ही यहाँ पे डिपॉजिट करके फिर आगे जाएंगे। तो आपको मंदिर को पास से नहीं दिखा पाऊँगा, कुछ फोटोग्राफ्स डाल देता हूँ मंदिर के, आप देख सकोगे। तो मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर दर्शन के बारे में बताता हूँ। 2 hours later सो हम लोग के दर्शन तो हो गए और अभी ये देखो आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ यहाँ से। ये रहा मंदिर का कलश, इतने पास जा सकते हैं देखते हैं। हर हर महादेव। सोमनाथ जब आप आओगे ना तो यहाँ पे एंट्रेंस पे ही आपको हमीर जी गोहिल इनका स्टैचू दिखेगा। इनका ये वो थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ फाइट की थी। 17 बार मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था, तो इन्होंने कितने बार उसका रेजिलेंस किया था पता नहीं, बट ऐसा भी है कि मतलब आदमी कम पड़ गए थे, इतने आदमी मर गए थे, तो किन्नरों ने भी यहाँ पे अपना बलिदान दिया था। किन्नरों ने भी फाइट की थी मोहम्मद गोरी के अगेंस्ट और पूरे प्रयास किए थे सोमनाथ जी के मंदिर को बचाने के लिए। अभी हमारे दर्शन हो गए, हम लोग अभी निकल रहे हैं और सोमनाथ जी की कथा आपको मतलब जितना मैंने पढ़ा है सुना है, कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। कथा ऐसी है कि एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में एक टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ चल रहा था कि श्रेष्ठ कौन है। तो शिव जी ने ये प्रथम ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, तो पहली बार ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन देके दर्शन दिए थे। तो दोनों को, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को, दोनों को भी इसका ज्ञान नहीं था। तभी उन्होंने बताया कि आप कि असली जो ज्ञान है वो स्वयं महादेव जी है और ये जो प्योर लाइट बोलते हैं ना, और विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों भी उन्हीं के पार्ट है, और रुद्र भी ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये एक ही स्वरूप है, ये उनको बताया था और वो एंड हुआ था। सो और सोमनाथ को मोक्ष का द वे टू मोक्ष भी बोला जाता है। चलो अभी ऑटो करता हूँ एंड ये मस्त टुक टुक है, मगर यार इसमें ना लेग स्पेस बहुत कम होती है। ऑटो अच्छा है लेकिन लेग स्पेस बहुत कम होती है। मोटे लोगों के लिए, लंबे लोगों के लिए नहीं है गाड़ी। चलो अभी हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाइक राइड के लिए। ओके, अभी जाना है यहाँ से नागेश्वर, होटल पहुँचते हैं, चेकआउट करते हैं और फिर आपको मोटर ब्लॉगिंग के सेटअप पे मिलता हूँ। अगर हम लोग यहाँ तक सोमनाथ तक आ ही गए थे तो सोचा कि एक और दर्शन कर ले। ये है भालका तीर्थ, कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान को अंगूठे में तीर लगा था और उनकी मौत हुई थी, और उसी के दर्शन ये
धामों में से एक कहा जाता है, तो हम लोग अभी उसी के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। मैं एक फ़ोटो, एक स्टोरी की फ़ोटो डाल दूंगा, आप लोग भी उसका स्नैपशॉट लेके फिर यू नो आप पूरी स्टोरी भी पढ़ लेंगे। गुड मॉर्निंग ट्रैवलर्स एंड वेलकम बैक टू द मोटो व्लॉगिंग सेटअप। अभी भीड़ू इज़ रेडी और हम लोग ये ड्रीमलैंड में रहे थे। इट इज़ जस्ट बाय द रोड साइड। यहाँ पे 1000 रुपये में एयर कंडीशन रूम मिल गया था। अभी देखो भीड़ू पे मस्त धूल मिट्टी बैठी हुई है। भीड़ू ऐसे कंडीशन में भी अच्छा दिखता है ना। चलो मैं राइड के लिए स्टार्ट करता हूँ, मिलता हूँ आपको रोड पे। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। चलो आपको नेविगेटर दिख रहा है, सामने का रास्ता दिख रहा है, डैशबोर्ड दिख रहा है। आप लोगों का व्यू अच्छा होना इम्पोर्टेंट है ना। चलो निकलते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, हर 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 महादेव, जय भवानी। तो महाराज प्रसन्न। अभी हम लोग निकल रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए और वहाँ से आगे द्वारका भी जाने की कोशिश करेंगे। अभी हेमंत दादा की बाइक को फ्यूल अप करना है, तो ये फर्स्ट फ्यूल पंप है इंडियन ऑयल का, वहीं पे जाते हैं। मैंने तो कल ही फ्यूल अप कर लिया था। हेमंत दादा फिल अप करेगा, मैं नहीं करूँगा। चलो मिलता हूँ रोड पे। ये जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो रोड है फ्रॉम सोमनाथ टू नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक बड़ा ही सीनिक रूट होने वाला है। एक समुंदर किनारे किनारे से जाएगा, पोरबंदर से होते हुए महात्मा गांधी जी की भी जन्मभूमि कर्मभूमि पोरबंदर है। और ये भी सोमनाथ भी मछुआरों का ही गांव है। यहाँ पे मतलब तुमको कंटिन्यूस थोड़ी मछली की स्मेल आती रहेगी। मुझे तो आई एम यूज्ड टू इट बिकॉज मेरा नेटिव भी मछुआरा कम्युनिटी का ही है, इसलिए मुझे इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं है। बट इफ़ यू आर प्योर वेजिटेरियन तो आपको थोड़ा सा इस स्मेल को सहना पड़ेगा। बट मंदिर के अंदर वगैरह वहाँ पे स्मेल नहीं आती, बट बाहर के इलाकों में जैसे अभी हम लोग जा रहे रोड पे ना, तो कंटिन्यूस आपको मछली की स्मेल आपको आती है, क्योंकि बहुत सारे फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स है, फिशरीज है। और बहुत सारे स्टे के ऑप्शंस है यहाँ पे, एवरी कैटेगरी ऑफ होटल इज हियर। तो डिपेंडिंग ऑन विथ हुम यू आर ट्रैवलिंग, जैसे हम दोनों दोस्त थे, टू बॉयज थे, तो हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि कैसे यू नो होटल इतना ज़्यादा हाई क्लास का नहीं चाहिए वगैरह। बट इफ़ यू ट्रैवलिंग फैमिली देन ये थोड़े जो चेन ऑफ होटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे, जैसे फर्न हुआ और बाकी सारे हुए, तो वहाँ पे भी है। तो बहुत स्टे के ऑप्शन आपको मिलेंगे। अभी चलो होपफुली ये टार रोड दिख रहा है मुझे, ये रोड ऐसे ही मिले। गूगल माता बता रही है कि एक दो जगह बीच में कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है, रोड वर्क चालू है, तो
उधर थोड़ा सा हमारा राइड में डिले हो सकता है, बट चलो वी आर रेडी फॉर इट। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 या 12:20 पकड़ लो। 250 किलोमीटर्स फ्रॉम सोमनाथ टू नागेश्वर, ऑलरेडी 5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया आपसे बात करते करते। सो मिलते हैं ऑन द रोड, कोई दिखता है इंटरेस्टिंग तो आपको बताते जाऊंगा। तथा पापा हो रहा है, अभी 2 दिन हो गए ना राइड करके, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन जैसा फील होता है, कितना भी पानी पियो स्पेशली मुंह सूख जाता है। A few moments later, अभी इस रूट पे हम लोग ने लेफ्ट ले लिया है, सीधा जाए तो मंगरोल, अच्छा पोरबंदर 106, द्वारका 210, पोरबंदर में शायद स्टॉप ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे संभल के चलाना पड़ेगा, ये सामने से ओवरटेक करके आने वाले ये लेन में आएंगे। अचानक से ये 2 लेन रोड 4 लेन रोड हो गया एक फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद। और ये वापस 2 लेन हो गया। ट्रैवलर्स वेलकम टू द कोस्ट लाइन। देखो समुंदर किनारे आ गए हैं हम। ये रोड पैरेलल चलती है समुंदर के किनारे, ये बीच के ऊपर शैक्स है। रुकते हैं, नारियल पानी पीते हैं और आगे जाते हैं। चलो दादा के लिए भी रुकता हूँ। ये अपने बाकी के मुंबई के 2 राइडर भी दादा ने पकड़ लिए। ये लोग भी आ गए, दोनों राइडर मुंबई ठाणे से है। दादा आ? नारियल पानी ट्राई करा, जबरदस्त मीठ। मजा आ रहा है, बालों की हालत देख रहे हो, ये पानी गंदा था उस होटल का, तो बाल मेरे एकदम अभी बिस्लेरी से धोना पड़ेगा बाल को। चलो मैं नारियल पानी एंजॉय करता हूँ, ये थोड़ा बीच साइड एंजॉय करता हूँ और फिर निकलते हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all.